हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ये ब्लूटूथ स्पीकर। इस स्पीकर की बेस इसकी साइज के हिसाब से काफी तगड़ी है और ये महंगे से महंगे स्पीकर को भी टक्कर दे सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने MDF बोर्ड लिया है जिसकी थिकनेस 8 mm है। मैंने इन MDF पीसेस को पहले ही कट कर लिया है। इन सभी के मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप इन्हें देखकर आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब मैं इन सभी से स्पीकर का एनक्लोजर बना लेता हूं। बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं। फ्रेंड्स, अब इस स्पीकर का बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है और मैंने इसके ऊपर पेंट भी कर दिया है। ये टेक्सचर्ड पेंट है, इससे बॉडी पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। अब मैं इसका फ्रंट पैनल बना रहा हूँ। इसमें मैं 3 सर्कल कट करूंगा और एक रेक्टेंगल कट करूंगा बास ट्रेबल कंट्रोलर के लिए। फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें सारे होल्स कर लिए हैं और मैंने इन सब के एजेस को राउंड कर लिया है। अब ये काफी स्मूथ हो गए हैं। अब मैं लेकर आया हूं ये वुडन टेक्सचर स्टिकर पेपर। इसे मैं इस फ्रंट पैनल पर लगाऊंगा जिससे ये देखने में काफी अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसके ऊपर पेंट भी कर सकते हैं। अगर आप ये पेपर लगा रहे हैं तो हीट गन का इस्तेमाल करके ही इसे सेट करें। दोस्तों, अब इसका फ्रंट पैनल भी बनकर रेडी हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको नीचे एक हाइप का बटन भी दिखाई दे रहा होगा तो उसे भी दबा दीजिए। इससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैंने एक PVC शीट का एक पीस इसके ऊपर चिपका दिया है। इसी के ऊपर वॉल्यूम कंट्रोलर लगेगा। बस अब इस फ्रंट पैनल में स्पीकर और सबवूफर लगाना बाकी है, तो चलिए उन्हें भी लगाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये 4 इंच का एक सबवूफर। ये 4 ओम और 30 वॉट्स का है और आवाज के लिए हैं 2-3 इंच के स्पीकर। आपको ये स्पीकर कम से कम 8 ओम और 15 वॉट का स्पीकर ही लेना चाहिए। मेरे पास 4 ओम के स्पीकर ही हैं, इसीलिए मैं ये यूज कर रहा हूं। तो चलिए मैं इन्हें इस पैनल पर फिट कर लेता हूं। फ्रेंड्स, अब मैंने सभी स्पीकर्स फिट कर दिए हैं और मैंने इन पर हॉट ग्लू भी लगा दिया है जिससे एयर पास ना हो सके। तो चलिए मैं इसे स्पीकर की बॉडी पर फिट कर लेता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आप एक रिचार्जेबल ब्लूटूथ स्पीकर चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है या आप इसे चैनल पर भी देख सकते हैं। अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ देता हूँ। फ्रेंड्स, जब तक ये सूख रहा है हम बना लेते हैं वॉल्यूम, बास और ट्रेबल का सर्किट। इसे बनाने के लिए मैंने ये कुछ कंपोनेंट्स लिए हैं जो आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अब इन्हीं से हमें एक सर्किट बनाना है। इसके लिए आप 0 PCB का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं काफी प्रोजेक्ट्स बनाता रहता हूँ,
इसलिए मैं एक प्रोफेशनल पीसीबी बनाऊंगा और इसमें हमारी मदद करेंगे आज की वीडियो के स्पॉन्सर JLC PCB. JLC PCB आसान, किफायती और भरोसेमंद PCB PCBA सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को अपने प्रोजेक्ट्स को इफिशिएंटली डेवलप करने में मदद करता है। यानी JLC PCB एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपना PCB डिजाइन अपलोड करके प्रोफेशनली मैन्युफैक्चर्ड PCB बनवा सकते हैं। आपको बस अपना गर्बर फाइल अपलोड करना है, फिर लेयर क्वांटिटी और PCB कलर सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और ये कुछ ही दिनों में आपके घर डिलीवर हो जाता है। ये बिल्कुल ऑनलाइन शॉपिंग जितना आसान है। JLC PCB पर आपको 1 से 8 लेयर PCB सिर्फ $2 में मिलता है। उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है और देता है अनबीटेबल प्राइस। और सबसे अच्छी बात, उनका क्वालिटी और लीड टाइम बहुत रिलायबल है। तो अगर आप भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी PCB बनवाना चाहते हैं तो JLC PCB जरूर ट्राई करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इजी टू यूज, अफोर्डेबल टू मेक और रिलायबल टू ट्रस्ट, आप हमेशा JLC PCB पर भरोसा कर सकते हैं। और नए यूजर्स के लिए JLC PCB पर $70 तक के कूपन भी मिलते हैं। विजिट करें jlcpcb.com और अपने आइडियाज को रियलिटी में बदलिए। फ्रेंड्स, अब हमारे PCB बनकर आ चुके हैं। मैंने काफी सारे PCB ऑर्डर किए थे। आप इनकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है। मैं इस प्रोजेक्ट में बस यही सर्किट इस्तेमाल करूंगा। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कितनी जबरदस्त है। अब मैं इस सर्किट में सभी कंपोनेंट्स सेट कर लेता हूं। अगर आपको भी ये सर्किट बनाना है तो इसकी गर्बर फाइल और सर्किट डायग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मैं इस सर्किट को पूरा कर लेता हूं। फ्रेंड्स, अब ये सर्किट बन गया है। अब मैं स्पीकर के कंपार्टमेंट के लिए एक कवर बना लेता हूँ। इसके लिए मैंने MDF बोर्ड का एक पीस लिया है। मैं इसमें 2 पैसिव रेडिएटर फिट कर रहा हूँ। आप चाहें तो इन्हें न भी लगाएं, ये ऑप्शनल हैं। मेरे पास थे तो मैंने लगा दिए। अब इन सबको इस बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब हमारा स्पीकर लगभग 60% तैयार हो चुका है। बस अब इसका बैक पैनल और एम्पलीफायर लगाना बाकी है। तो चलिए इसका बैक पैनल भी बना लेते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक तो बनता है। अब इसका बैक पैनल भी बन चुका है। अब मैं इसमें सभी कंपोनेंट्स फिट कर लेता हूँ। मैं इस स्पीकर में जो भी सामान लगा रहा हूँ उसकी पूरी लिस्ट और सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। फ्रेंड्स, अब हमारे स्पीकर की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं एम्पलीफायर की हीट सिंक और कैपेसिटर पर सिलिकॉन लगा रहा हूं, जिससे आईसी गर्म होने पर हीट सिंक उससे अलग नहीं होगी। अब मैंने ये फोम टेप लिया है। मैं इसे स्पीकर के चारों बॉर्डर पर लगा दूंगा। इससे स्पीकर से एयर पास नहीं होगी। फ्रेंड्स, अब हमारा स्पीकर बनकर रेडी हो गया है। आपको इसका लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगती है तो भी जरूर बताएं। चलिए अब इसका साउंड टेस्ट करते हैं। Bluetooth mode.
The Bluetooth device is connecting us successfully. फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप भी अपना पीसीबी बनाना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।